फोटो ले लो पहले इसके बाद सूझा नहीं देखो एक बार पिक्चर पिक्चर भी हो डंडा सुवा रहे लट्ठे डंडा कुल्हाड़ी मुधानी हरी देख लो बल्ला छके की हाल फिर तुम और छापा था फिर और पटान सबरे थोड़ा काम की छापा करे हां तू गुलाम छापने का था गोबर करना गोरो करना जाना जो करता है आज यहाँ पे हमारी विश्रामगंज परिक्षेत्र के अंतर्गत कौहा से अभी बीट में जो बीट गार्ड हैं और अपने चौकीदार के साथ सुरक्षा श्रमिक के साथ वन गश्ती पर थे शाम के समय, तो इन पर मतलब हमला किया गया है अवैध लकड़ी चोरों द्वारा और इसकी सूचना हमको करीबन 2 या 3 घंटे बाद पता चली है। तो अभी जो अपराधी हैं वो अज्ञात हैं, उनका मतलब नाम नहीं बता पा रहे हैं वो, और अभी उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है बीट गार्ड को। जब वो उस स्थिति में आ जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि कौन थे या उनकी पहचान की जा सके। कितने वनकर्मी अपने घायल हैं, कितनों की क्या हालत? 3 हैं जिसमें से एक हमारे बीट गार्ड हैं और एक स्थायी कर्मी हैं बीट गार्ड श्री छत्रपाल लोधी हैं, और जो स्थायी कर्मी हैं वो स्वामी दीन कुशवाहा जी हैं, और एक और तीसरा सुरक्षा श्रमिक जो कि हमारी कूप की सुरक्षा करता है वो है। 3 लोग हैं। क्या सर जो गंभीर विषय है लगातार लकड़ी काटने वाले जो है वनकर्मियों पर हमला कर देते हैं, कैसे सुरक्षा मिल पाएगी वनकर्मियों को, ऐसे हमले ना हो पाए, क्या मांग करेंगे आप सरकार से गवर्नमेंट से? नहीं देखिए, इसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी अभी पिछले दिनों में संज्ञान लिया है और इन्होंने बोला है कि पुलिस वन और राजस्व कि संयुक्त टीम मिलके ही मतलब इसका निराकरण करेंगे अगर कोई मतलब अगर गंभीर अपराध होता है तो। और हम लोगों ने यहाँ पे वन चौकियाँ स्थापित की हैं और वहाँ पे हथियार और वहाँ की सब सुरक्षा की चीज़ें मुहैया कराई गई हैं, और हम इस चीज़ को संज्ञान में लेके अब एक टीम गठित करके दल के साथ गश्ती करवाएंगे।